शोभा यात्रा निकाली जा रही है सभी बिरादरियों को, सभी जातियों को एक साथ लेकर समरसता बनाने के लिए, समाज में एक नए समाज का नव निर्माण करने के लिए, कि समाज में जाति पाति के भेदभाव को मिटाया जाए और हम सब एक हैं, मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, महाराणा प्रताप जी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था अपने हिंदू राष्ट्र के लिए। ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया था। ये अकेले मुगल अकबर के साथ लड़ते रहे आखिरी दम तक, फिर भी अकबर उन्हें हरा नहीं पाया था। महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव के लिए किया जा रहा है, ये बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप देखिएगा, यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, यह शोभा यात्रा सीधा घंटाघर चौक पर जाएगी, उसके बाद सेक्टर 8 धर्मशाला तक जाएगी। जय श्री राम। ये हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की आज शुभ जयंती है, और आज दल गज बज के सब लोग आए हैं समर्थन में। हम लोग भी आए हैं, सनातनी धर्मी हैं, और हमें लाजमी है कि हमारे जो वीर शिरोमणि हैं इनकी आज मतलब कि जन्म दिवस है, उस पक्ष में हम लोग आए हैं और सारे जुलूस के साथ जाएंगे। और ये यहाँ से 8 सेक्टर जाएगा, 8 सेक्टर जाके जी हाँ, हिंदुओं को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एका करने की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। हमारी एकता है तो सब कुछ है, एकता नहीं है तो कुछ भी नहीं।